Hello dear students, today we will talk about intellectual property law, and under this primary rights will be covered. So what is intellectual property? In Hindi, intellectual property is called as bodhic sampada. So sabse pehle hum property kya hai ye samjhenge. Property matlab sampatti, संपत्ति या संपदा किसी धन या वैल्यूएबल थिंग्स मूल्यवान वस्तु में इसे जो व्यक्ति अर्जित करता है अर्न बाय जैसे लैंड हाउस गार्डन इंडस्ट्री एनिमल गोल्ड सिल्वर डायमंड मनी एक्सेट्रा. इसकी मेन पर्पस क्या है प्रॉपर्टी को अर्न करने के. प्रॉपर्टी अर्न करने की मेन पर्पस बेटर हायर स्टेटस प्राप्त करना समाज में. इसी आधार पर हम किसी को रिच मिडिल या पुअर कहते हैं. अच्छी लाइफ डेवलप करना क्वालिटी मेंटेन करना सोसाइटी में समाज में नाम और यश प्राप्त करने के लिए सोसाइटी में ताकि रिच पीपल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है दूसरों से या फिर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को और सुदृढ़ बनाना खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए. देखते हैं कि प्रॉपर्टी के प्रकार कितने होते हैं. टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, इनमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. सो इनमूवेबल या अचल संपत्ति ऐसी फिक्स्ड प्रकार की संपत्ति होती है जो मूव नहीं कर सकती एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए. जैसे लैंड भूमि बिल्डिंग्स हाउस फ्लैट बंगला फार्म हाउस गार्डन एक्सेट्रा. और ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको किसी देश के नियम या कानून के तहत में सुरक्षा मिलती है. दूसरी प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी. ये चल संपत्ति होती है जिसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं. इनमें जानवर एनिमल्स फार्म की मशीन फर्नीचर फिक्सचर्स गोल्ड सिल्वर डायमंड मनी एक्सेट्रा. और ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये पब्लिक लॉ से प्रोटेक्टेड की जाती है. तो नाउ इन दिस स्लाइड वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो बेसिकली हमने भी प्रॉपर्टीज मूवेबल और इनमूवेबल पढ़ ली. अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है. तो ये तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं बौद्धिक संपदा कहते हैं. या कोई प्रोडक्ट बनाया प्रोसेस प्रक्रिया कोई आइडिया कॉन्सेप्ट ये जब किसी दिमाग की उपज होती है और हम इसका उपयोग कर सकते हैं वाणिज्यिक स्तर पे कमर्शियल स्केल पे जिससे मानवता का विकास या मानव का बेनिफिट या लाभ संभव हो सके. तो ऐसे कोई भी बौद्धिक संपदा जिससे मानव जीवन का लाभ हो सके उसे हम बौद्धिक संपदा कहते हैं. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बौद्धिक संपदा क्रिएशन ऑफ माइंड से संबंधित है जिसमें आविष्कार लिटरेचर कलात्मक चीजें या कोई चिन्ह नाम इमेज डिजाइन एक्सेट्रा कमर्शियल स्केल में यूज किया जाता है. मेन फीचर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर गिवन बिलो. सबसे फर्स्ट देखेंगे इसको हम न्यू आइडियाज प्रोसेस प्रोडक्ट इन्वेंशन या इनोवेशन किसी व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया है इसका ये माप है मेजर है. दूसरा इसमें बहुत सारा श्रम लगता है बौद्धिक श्रम लगाना पड़ता है जैसे सोचना योजना बनाना प्लानिंग करना या नए आइडियाज को फाइन ट्यून करना एक्सेट्रा. इट रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंड की आवश्यकता पड़ती है और दूसरे संसाधन अदर रिसोर्सेज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस. इसमें एक समस्या आ रही है द मेन प्रॉब्लम इसको कॉपी किया जा सकता है कॉपी करके इसको रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है और दूसरे को द्वारा उपयोग किया जा सकता है जिससे आविष्कारकर्ता को नुकसान होता है. इसलिए हैंस ऐसी संपदाओं का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है.
लिए आविष्कार करता मैक्सिमम उससे लाभ अर्जन कर सके। The right to intangible property, that is the product of the human intellect and referred to as intellectual property. ऐसी intangible जो property होती है उस पर जो अधिकार दिया जाता है किसी मानव की बुद्धि के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के ऊपर में, तो हम ऐसे अधिकारों को बौद्धिक संपदा का अधिकार कहते हैं। इन स्लाइड्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डेफिनेशंस और उसके टाइप्स के बारे में हमने चर्चा की है। जैसे किसी के पास जितनी बौद्धिक क्षमता होती है उससे वो मासेस के लिए बहुदायक लोगों के लिए कोई आविष्कार करता है तो उससे जो पूंजी बनती है वो बौद्धिक संपदा होती है। मुख्यतः इसके कई प्रकार हैं और ये इनटेंजिबल होती है नेचर में, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या ट्रेड सीक्रेट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सामान्यतः दूसरे प्रॉपर्टी के जैसे होते हैं और इसको हम मूव कर सकते हैं। दूसरी बात है ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनमें अधिकार दिए जाते हैं जो निर्माणकर्ता होता है। Inventions and creativity are the two major aspects that give a benefit and help in the economic development of nation. तो मुख्यतः अधिकार किन बौद्धिक संपदाओं को मिलता है? ऐसी संपदाएं जो आविष्कार होती हैं और उनमें कुछ क्रिएटिविटी होती है जिससे किसी देश की आर्थिक उन्नति हो सकती है। तो मुख्यतः इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है एक इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि या उन्नति का एक सूचक होता है किसी देश का, और इसको मुख्यतः संरक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि एक देश से दूसरे देश में इसकी मूवमेंट को हम रोक सके और वो आविष्कार उस देश को लाभ दे सके। नेक्स्ट, इसके तहत में एक ग्रांट दिया जाता है सॉवरेन पावर या गवर्नमेंट के द्वारा उस आविष्कारकर्ता को एक निश्चित समय के लिए, उस समय पे वो उसको बना करके यूज करके बेच सकता है। ये उसको एक विशेषाधिकार या एक अधिकार दिया जाता है। इसके पीछे जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पेटेंट देने के पीछे, ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम संरक्षित या प्रोटेक्ट कर सकें और दूसरा कोई व्यक्ति को फ्री एक्सेस ना हो ताकि वो उस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर सके, प्रोसेस को कॉपी कर सके। वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ पेटेंट इन अदर स्लाइड्स। नाउ इन दिस स्लाइड फॉर्म्स ऑफ आईपीआर को डिस्कस किए गए हैं। ये आईपीआर को मुख्यतः हमने दो भागों में बांटा है, एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरी है नॉन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो उद्योगों में उपयोग आती है, जिसमें पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आते हैं। जबकि दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन इंडस्ट्रियल है, किसी उद्योग में इसकी कार्य जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इसको व्यक्तिगत स्तर पर तैयार किया जाता है। इस पर हम कॉपीराइट को आईपीआर को कंसीडर करते हैं। इस टेबल में, इस तालिका में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हमने कई रूपों को वर्णन किया है। वो कितना इसको दो रूपों में माना गया है कि ऐसे अधिकार जो कि प्राइमरी है मतलब प्राथमिक अधिकार है, और दूसरे जो है वो सू जेनरिस है, जिसे हम अद्वितीय अधिकार कहते हैं, जो अद्वितीय हो, जो पहले कभी नहीं बनाए गए हों, एकदम नवीन हो। तो प्राइमरी राइट से प्राथमिक अधिकार में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स, यूनिवर्सल मॉडल्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, रिलेटेड राइट्स, ट्रेड नेम्स और डोमेन नेम्स आते हैं। जबकि सू जेनरिस राइट्स में डेटाबेस राइट, मास्क वर्क, प्लांट मीटर राइट्स, फार्मा राइट्स, मॉडल राइट्स,
Supplementary Production Certificate or Indigenous Intellectual Property आते हैं। हम अगली स्लाइड में इसको बारी बारी से इसके डेफिनेशंस और फीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे। कॉपीराइट। कॉपीराइट एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत में एक्सक्लूसिव राइट ऑथर या क्रिएटर को मिलते हैं ताकि वो अपने द्वारा की गई किसी भी लिटरेरी वर्क्स को या आर्टिस्टिक वर्क्स को या म्यूजिकल वर्क्स को पब्लिश सेल कर सके। ये एक्सक्लूसिव राइट उसको रिप्रोड्यूस करने का अधिकार देता है, सेल करने का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसे हम पब्लिकली कॉपीराइट एक्ट कहते हैं। थर्ड, इस राइट के तहत में जो भी क्रिएटर होता है अपने पास उसकी ओनरशिप रख सकता है और दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है उसकी कॉपीज बनाने के लिए। उस एक्सक्लूसिव ऑथर पे ये डिपेंड करता है। फोर्थ है, ये एक लीगल राइट है। लीगल मतलब वैधानिक राइट है जो ऑथर कंपोजर प्ले राइटर पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है कि वो उसका एकाधिकारिक रूप से पब्लिकेशन प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। इन दिस स्लाइड मेन फीचर्स विल डिस्कस। फर्स्ट है, ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन समय के लिए दिया जाता है, सभी देशों में एप्लीकेबल है। इसके तहत में जो राइट्स दिए जाते हैं कॉपीराइट होल्डर को, वो दूसरों को ऑथराइज कर सकता है उस वर्क को करने के लिए। इसमें किताबें, मूवीज, म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफर सॉफ्टवेयर आते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिव्यूज विदाउट रिटन परमिशन। हाउएवर इंफॉर्मेशन और आइडिया कैन बी यूज बाय वन। इसमें जो है इंफॉर्मेशन को उसके परमिशन के बिना आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि आप सेंट्रल आइडिया को उपयोग करके आप कुछ न्यू बना सकते हैं। दूसरा राइट है पेटेंट है। प्राइमरी राइट्स का दूसरा भाग है पेटेंट। पेटेंट एक डॉक्यूमेंट है जो किसी इन्वेंटर को ग्रांट किया जाता है उसके सोल राइट के रूप में किसी आविष्कार के एवज में। इसमें उस इन्वेंटर को मैन्युफैक्चर मार्केट करने की पूरी छूट रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि किसी राज्य शासन या राष्ट्र के द्वारा किसी पेटेंटी को निश्चित समय के लिए दिया गया जाता है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हम पेटेंट में डिस्कस करेंगे। उसी तरह प्रोडक्शन से प्रॉफिट के लिए इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं। इसके तहत में वो प्रिवेंट कर सकता है दूसरे को कॉपी करने से। उसके तहत में ऑडियो और वीडियो टेक्नोलॉजी को कवर किया जाता है। तीसरा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह। व्यापार चिन्ह एक डिस्टिंक्टिव साइन या विशेष रूप का चिन्ह होता है या किसी दूसरे प्रकार का चिन्ह होता है जो किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी वैधानिक आइडेंटिटी के द्वारा दिया जाता है जिससे उसकी प्रोडक्ट का स्रोत या उसकी सेवाओं का स्रोत कंज्यूमर्स को पता चल सके, जिससे उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। मुख्य बिंदु हम देखते हैं व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क के क्या होते हैं। यह मुख्यतः कोई शब्द हो सकता है, नाम या सिंबल, डिवाइस हो सकता है या मार्क हो सकता है जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके किसी वस्तु के लिए या सेवाओं के लिए जो किसी कंपनी के द्वारा दी जाती है। जनरली इसका जो प्रोटेक्शन का जो पीरियड होता है वो वैरी करता है, लेकिन सामान्यतः इसे अनंत समय तक इसको हम रिन्यू या नवीनीकरण करा सकते हैं। चौथा है इंडस्ट्रियल डिजाइन। व्यापारिक डिजाइन हम कह सकते हैं यह मुख्यतः एक सिंपल डिजाइन होता है
या वे ऑर्नामेंटल या एस्थेटिक एक्सपेक्ट लिया हुआ कोई डिजाइन हो सकता है जो किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और मुख्यतः इस केसेस में इसका जो प्रोटेक्शन पीरियड होता है वो 15 साल के लिए माना गया है। इसके मुख्य बिंदु यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन जो होते हैं एक अप्लाइड आर्ट होता है जिसमें एस्थेटिक वैल्यू होती है या प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी होती है और जिससे उसकी मार्केटेबिलिटी और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। इसमें मुख्यतः 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसके तहत में फिजिकल सॉल्यूशंस हम देखते हैं कि बढ़ जाते हैं किसी पर्टिकुलर आवश्यकता के लिए। ये फिजिकल सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जिससे प्रोडक्ट यूजफुल बनता है। इसमें मुख्यतः किसी ओरिजिनल शेप पिक्चर या उनके कॉम्बिनेशन को हम कंबाइन करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। फोर्थ, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक डिजाइन होता है किसी मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट का जो हमें दैनंदिनी या रोजाना की आवश्यकताओं में कार्य करता है। जैसे किसी सिंक की डिजाइन या फर्नीचर की डिजाइन या कंप्यूटर की डिजाइन। फिफ्थ, इट रेफर टू द प्रोफेशनल सर्विस ऑफ क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग कॉन्सेप्ट एंड स्पेसिफिकेशन दैट ऑप्टिमाइज द फंक्शन वैल्यू एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। ये मुख्यतः किसी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए होता है जो क्रिएट करती हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप करती है ताकि हम किसी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक फंक्शन वैल्यू या अपीयरेंस दे सकें। जैसे इस केस में आप देखेंगे कि कोका कोला की बॉटल यदि आप देखते हैं तो कोका कोला की बॉटल दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल से एक पेक्यूलियर शेप को रिटेन करते हुए चलती है। तो वो डिजाइन बॉटल का जो डिजाइन है वही उस कंपनी का इंडस्ट्रियल डिजाइन है। इट मीन टू से कोई कंपनी आए या चाहे लेकिन कोका कोला के डिजाइन को कॉपी ये करेगा तो उससे उसकी साख पे अंतर पड़ेगा और ये इनवैलिड माना जाएगा। इसलिए हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक डिजाइन बनाया जाता है जिससे उसकी स्पेसिफिसिटी को निर्धारित किया जा सके। फिफ्थ है यूटिलिटी मॉडल्स। यूटिलिटी मॉडल्स को हम हिंदी में उपयोगी नमूना भी कह सकते हैं। ये भी एक एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट किए जाते हैं किसी आविष्कार के लिए जिससे जो राइट होल्डर है वो तो दूसरों को कमर्शियल प्रोडक्शन करने से रोक सके बिना उसके ऑथराइजेशन के। ये एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है। सामान्यतः ये एक देश से दूसरे देश में वैरी करता है और ये मुख्यतः एक पेटेंट की तरह ही होता है। वस्तुतः ये जो यूटिलिटी मॉडल से उपयोगी नमूने हैं इन्हें हम पेटी पेटेंट से छोटा पेटेंट या इनोवेशन पेटेंट या नवाचार पेटेंट या माइनर पेटेंट या स्मॉल पेटेंट कह सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। यूटिलिटी मॉडल जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हिस्सा है, इसलिए हम पेटी पेटेंट कहते हैं। इसमें जो अधिकार दिए जाते हैं वो सिमिलर होते हैं पेटेंट लॉ की तरह ही होते हैं लेकिन उनका उनकी जो समय सीमा वो कम होती है छोटी होती है। ये नेशनल पेटेंट ऑफिस के द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं और मुख्यतः ये इंक्रीमेंटल जो इन्वेंशन होते हैं उस पर सूट होता है। मतलब ये मेजर इन्वेंशन में नहीं माना जाता है, ये माइनर इन्वेंशन माना जाता है। छठवां है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के साइन होते हैं जो किसी गुड्स या सामान के ऊपर में दिए जाते हैं जिससे इसकी स्पेसिफिक विशिष्ट जो है भौगोलिक उत्पत्ति विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति का पता चलता है और इसलिए पता चलता है कि उस भौगोलिक स्थान की जो गुणवत्ता है वो या उसका रेपुटेशन है उसके
स्थान की वजह से वो उस उत्पाद में निहित है। जैसे अ टाउन किसी शहर या किसी क्षेत्र या किसी देश। मुख्यतः यदि हम जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करेंगे तो दार्जिलिंग की जो चाय है वो मुख्यतः भारत उसका जोग्राफिकल इंडिकेशन है, तो उसमें जो गुणवत्ता है वो भारत के दार्जिलिंग क्षेत्र की वजह से होती है। दूसरा पॉइंट है जोग्राफिकल इंडिकेशन को कुछ जो एडवांस कंट्रीज है या डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर पंजीकृत किया गया है और उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी तक इतिहास में हम देखते हैं कि जो शराब है, वाइन्स है या स्पिरिट है, चीज, टोबैको मुख्यतः इस पे पंजीकृत किए गए हैं, जिसका प्रतिशत 28 है और इस 88% में ही जो वाइन और स्पिरिट है वो ऑलमोस्ट जो है 71% है सभी पंजीकरण में। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन मुख्यतः जो है ये कृषि से संबंधित प्राकृतिक या फिर किसी उत्पादित माल या सामान हो सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट क्या है? ट्रेड सीक्रेट को हिंदी में व्यापार रहस्य कहते हैं। तो व्यापार रहस्य कोई फॉर्मूला या कोई प्रक्रिया, कोई विधि, मैकेनिज्म या टूल या कोई पैटर्न या कोई डिवाइस हो सकते हैं जिसे जो निर्माता कंपनी है वो छुपा के या रहस्य बना के रखना चाहती है। ट्रेड सीक्रेट मुख्यतः ऐसी थिंग्स होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट वेरिएशन और अल्टरनेटिव यूजेस होती हैं। जैसे इसमें हम अगर मैगी की बात करें तो नेस्ले कंपनी के द्वारा मैगी का निर्माण किया जाता है और मैगी का स्वाद जो है सभी बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को बहुत पसंद आता है और वही स्वाद जो है आज तक कंपनी का ट्रेड सीक्रेट है। इतनी तो सही, वो हमारे लिए सेफ है। FSSAI के जांच के द्वारा वो हमारे लिए सेफ पाया गया है, लेकिन उसमें कौन सी चीज की कितनी मात्रा डाली गई है ये कंपनी नहीं बताती है या उसका कंसंट्रेशन या उसका रेशियो नहीं बताती है। अगर वो कंपनी इस चीज को बता दे तो उसका रहस्य खुल जाएगा और खुलने की वजह से कोई दूसरी कंपनी उसको कॉपी करके उसी स्वाद का प्रोडक्ट मार्केट में ला करके उसको आर्थिक क्षति दे सकती है। तीसरा, ये एक फॉर्मूला प्रोसेस है जो किसी बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है जिसे वो पब्लिश नहीं करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा कम ही रहे। कुछ मुख्य बिंदु है यहाँ पे व्यापार रहस्य ट्रेड सीक्रेट के, जैसे इसको कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है, इसे पीढ़ी से पीढ़ी तक हम चला सकते हैं और इसको पंजीकरण कराने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इट डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अदर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इनोवेशन। लेकिन इसका नुकसान ये है कि यदि हम इसको रहस्य रखते हैं तो हमको जो है नयापन लाने की अपॉर्चुनिटी या बारी हमको नहीं मिलती है और ये बुक्स में, इक्विपमेंट में या प्लांट वैरायटी या इंडस्ट्रियल डिजाइन यहाँ पे ये उपयोगी नहीं होता है। आठवां है रिलेटेड राइट्स। रिलेटेड राइट्स को हम संबंधित अधिकार भी कहते हैं। संबंधित अधिकार जो होते हैं, a term in copyright law used in opposition to the term author rights, इसको author rights के opposition में उपयोग किया जाता है। जैसे the term naming rights is exactly equivalent, जो naming rights term है वो इसके exactly equivalent होता है और more literal translation of the original French word ड्राइव्स वर्जन्स है। सो रिलेटेड राइट्स इन सिविल लॉ आर राइट्स विच इज सिमिलर टू द ऑथर राइट बट
which are not connected with the actual author of the word. मतलब ये है कि ये सामान्यता जो author के rights जैसे ही माने गए हैं, लेकिन यह जो है एक्चुअल ऑथर के कार्यों से कनेक्ट नहीं होते हैं। मतलब कोई दूसरे से संबंधित कार्य कर रहा है ये गए हैं। ऑथर राइट्स और रिलेटेड राइट्स जो होते हैं और कॉपी राइट्स इन द सेंस ऑफ इंग्लिश और यूएस लॉ। ऑथर राइट्स और रिलेटेड राइट्स दोनों को कॉपीराइट लॉ के तहत में संरक्षण दिया गया है इंग्लिश और यूएस लॉ में। इसके मुख्य बिंदु मेन पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये मुख्यतः कॉपीराइट्स के समान होते हैं। दूसरा रिलेटेड राइट्स जो है वो प्राइमरी प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में आते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो है संसाधन के जो अधिकार हैं उसके अंदर आते हैं। इसे हम नेबरिंग राइट्स भी कहते हैं। रिलेटेड राइट्स जो हैं वो कॉपीराइट के क्लोजर होते हैं, लेकिन ये बर्न कन्वेंशन के द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। जबकि रिलेटेड राइट्स जो होते हैं वो रोम कन्वेंशन 1961 के द्वारा कवर किए गए हैं। नौवां है ट्रेड नेम्स। ट्रेड नेम्स मतलब व्यापारिक नाम हम कह सकते हैं। व्यापारिक नाम क्या होते हैं? तो व्यापारिक नाम जनरली किसी बिजनेस नेम को कहते हैं जो कमर्शियल पर्पस को सॉल्व करता है। ये पंजीकृत होते हैं, ये लीगल नेम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज किया जाता है या किसी भी अन्य फॉर्मल सिचुएशंस में भी यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स जो है एक ट्रेड नेम है एक कंपनी का, और ऐसे व्यापारिक नामों को हम पंजीकृत करते हैं जिसमें पर्सन या कंपनी आधारित होती है। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों में बहुत ट्रेड नेम्स उपयोग होते हैं, जैसे एस्पिरिन। एस्पिरिन एक व्यापारिक नाम है। प्रायः जो है ये इसके केमिकल नेम्स या रासायनिक नाम से भिन्न होता है। जैसे एस्पिरिन ट्रेड नेम का व्यापारिक नाम है एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड। ट्रेडिंग नेम्स आर रिगार्डेड एज ब्रांड। तो जो व्यापारिक नाम होते हैं उसको हम ब्रांड के रूप में मान्यता देते हैं, जिसके तहत में प्रोडक्ट को हम कमर्शियली जानते हैं। एक केमिकल में है अ वैरायटी ऑफ ट्रेड नेम्स डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व। एक ही केमिकल नेम के कई ट्रेड नेम कई कंपनी के द्वारा दिए जा सकते हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो हमेशा केमिकल नेम सिमिलर रहेगा। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु है ट्रेड नेम को ध्यान देने के लिए कि ये चाहे तो या ना चाहे तो हम इसको रजिस्ट्रेशन ना कराएं। ये मुख्यतः जो है डिस्टिंग्विश करता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस को दूसरे से। यह एक्सक्लूसिव ये नॉन एक्सक्लूसिव हो सकता है, एकाधिकार या गैर एकाधिकारिक हो सकता है। ये जनरली यूज ऑन लेटर हेड्स और बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट या लेटर हेड्स में उपयोग किया जाता है। इट इज अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस बाय ईच कंपनी विद मैन्युफैक्चरर। ये किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक दूसरा नाम दिया जाता है जो कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी भी उसको मैन्युफैक्चर करती है। ये एक व्यापारिक नाम है जिसके तहत कंपनी या कोई पर्सन या कोई संस्था जो है अपना बिजनेस करती है या चलाती है। जैसे जनरल मोटर्स एक ट्रेडिंग मतलब कंपनी। इट इज यूज्ड बाय कंपनी टू डिस्क्राइब एंड डिस्टिंग्विश इट्स ब्रांड। इसके तहत जो है कंपनी जो है अपने ब्रांड को डिस्क्राइब या डिस्टिंग्विश करती है दूसरे प्रोडक्ट से। उदाहरण के लिए क्लीनेक्स जो एक ट्रेड नेम है एक ब्रांड ऑफ टिश्यू पेपर का। दूसरा जेरोक्स अ सिंगल ब्रांड ऑफ कॉपियर। कॉपियर का एक ब्रांड है। दूसरा है डोमेन नेम्स। डोमेन नेम्स एक यूनिक नेम है जिसके तहत हम किसी इंटरनेट साइट को आइडेंटिफाई करते हैं।
डोमेन नेम्स के दो या ज्यादा हिस्से होते हैं जिसे हम डॉट से अलग करते हैं। उदाहरण के लिए www.ask-ed.com या www.bcbsks.com। तो द टर्म डोमेन नेम हैज मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स, इसके कई रिलेटेड या मीनिंग्स हो सकते हैं, संबंधित मतलब हो सकते हैं। दूसरा, ये जो है आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में किसी वेबसाइट में जानकारी देता है, जैसे company.com, कोई company.com की वेबसाइट है वो इसे पता चलती है। और फिर उसको टू एस URL, इसे हम URL के रूप में भी जानते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब हम विश्व में किसी भी जगह से अगर वो टाइप करेंगे तो वही वेबसाइट खुलेगी, वो उसका URL होता है। तीसरा, इट अलाउज रेफरेंस टू द इंटरनेट साइट विदाउट नोइंग द ट्रू न्यूमेरिकल एड्रेस, इसके तहत में हम किसी भी इंटरनेट साइट को ढूंढ सकते हैं बिना उसके एक्चुअल IP एड्रेस या न्यूमेरिकल एड्रेस को जाने। चौथा, इट रेफर्स टू द ऑफिशियल नेम ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यह जो है ऑफिशियल नेम ऑफ कंप्यूटर को बताता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है, जैसे www.microsoft.com। पांचवा, इट इज अ यूनिक नेम ऑफ द कंप्यूटर, ये यूनिक नेम ऑफ द कंप्यूटर को बताता है इंटरनेट में, दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, इसके तहत में जो है वो कंप्यूटर के यूनिक नेम को पूरे इंटरनेट में दूसरे सिस्टम से अलग करता है। छठवां, दे आर समटाइम्स कॉलोक्वियली रेफर्ड टू बाय मार्केटर्स एज वेब एड्रेसेस, कभी कभी जो है वो गलत तरीके से रेफर भी होते हैं मार्केटर्स के द्वारा वेब एड्रेसेस के रूप में। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट 10 फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी राइट्स। So, in next lecture sessions, we will discuss about sub-generous rights. So, now we will cover the advantages portion of the IPR. So, IPR के advantages क्या हैं? यदि IPR होगा, तो healthy competition को promote कर सकेंगे, जिसकी वजह से लोग invention, innovation आपस में करेंगे, और IPR होने की वजह से एक innovation को दूसरे व्यक्ति copy नहीं करेगा directly. दूसरा, IPR की वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि इनोवेशन बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तीसरा, ये न्यू आइडियाज को उपलब्ध कराते हैं, टेक्नोलॉजीज को उपलब्ध कराते हैं सभी देशों में, डिफरेंट कंट्रीज में। चौथा, इससे फास्टर डेवलपमेंट किसी भी उद्योग का, संस्था का हो सकता है जो कि अनुसंधान या विकास में लगे हुए होते हैं। आइए आगे कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। पहला है कि जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, नामांकन का जो प्रक्रिया है, वो कितना जो पेटेंट के बारे में है वो काफी लंबी है, लंबी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारा धन उपयोग होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन में या नवीनीकरण में या लाइसेंस लेने में। इसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस भी आ सकते हैं, कई बार एक दूसरे की इन्फ्रिंजमेंट की वजह से या चोरी की वजह से कई बार कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ता है। फिफ्थ है, इट में लीड टू मोनोपोली ऑफ राइट होल्डर्स, इससे कई बार जो है एकाधिकार प्राप्त होने से मोनोपोलिस्टिक जो मार्केट अप्रोच डेवलप हो सकती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्राइमरी राइट्स इंट्रोडक्शन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड this whole lecture. Thank you.